बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स हम अपने न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं। न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स एक चैलेंजिंग, एक अनसॉल्वेबल और एक बड़ा ही तंग करने वाला प्रोसेस लगता है। उन्हें ये नहीं समझ आती कि सर इसमें ये गिवन में जो वैल्यूज़ है ये कहाँ से आई, सर ये टू फाइंड हमने यही क्यों लिखा, सर यही वाला फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया, कोई दूसरा क्यों नहीं यूज़ किया। तो इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने अपनी ये न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से न्यूमेरिकल को एक आसान अंदाज में समझाएंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.6 है। इस न्यूमेरिकल नंबर 12.6 की स्टेटमेंट मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मास 1 × 10⁻⁶ किलोग्राम एंड चार्ज 1 μC बिटवीन टू प्लेट्स 10 cm अपार्ट। हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें चाहिए होगी जो इस चार्ज और मास को वहाँ पे लटका के रख सके। तो बच्चों, सबसे पहले अपना गिवन डाटा लिखते हैं। हमारे पास उसने मास ऑफ पार्टिकल दिया है जो कि 1 × 10⁻⁶ किलोग्राम है। फिर हमें चार्ज दिया है उसने जो कि हमारे पास 1 μC का है, और बच्चों माइक्रो प्रीफिक्स है जो कि 10⁻⁶ के बराबर होगा। फिर हमारे पास डिस्टेंस दिया है बिटवीन टू प्लेट्स जो कि 10 cm है। इसको मैं 10 × 10⁻²⁰ भी लिख सकता हूँ। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन प्लेट्स फाइंड करनी है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से हम इन चार्ज को और पार्टिकल को वहाँ पे सस्पेंड कर सकते हैं, लटका के रख सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इस चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कंपैरिजन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का। वो हम कब करते थे? जब हमें मैसेज एंड चार्जेस को एक साथ रख के देखना होता था। तो बच्चों, यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे कि हम अपनी इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा था पीछे कि वो Q·E के बराबर होता है, और हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमारी वेट की वजह से होती है वो mg के बराबर होती है। अब हमें ई फाइंड करना है, तो ये हमारे पास mg डिवाइडेड बाय क्यू के इक्वल आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास मास जो है वो 1 × 10⁻⁶ दिया हुआ है। हमारे पास जी जो कि हमारे पास कितनी दी होती है, 9.8 m/s². हमारे पास जी जो है ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि 9.8 m/s होती है, तो मैंने वही पुट की है। फिर हमारे पास चार्ज यहाँ पे कितना है, 1 × 10⁻⁶। अब बच्चों, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, 9.8। जो इसका यूनिट यूज़ करेंगे वो हम न्यूटन पर कूलम यूज़ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यही यूनिट होता है। तो बच्चों, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको चाहिए उन दो प्लेट्स के दरमियान जिसकी वजह से 1 × 10⁻⁶ किलोग्राम का पार्टिकल 1 × 10⁻⁶ कूलम ऑफ चार्ज के साथ सस्पेंड रहेगा, लटका हुआ होगा। तो बच्चों, आई होप सो आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ आया होगा। बहुत ही आसान छोटा सा न्यूमेरिकल था। तो अगर आपको हमारे इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।